दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको ये वायरिंग जो है इसे निकालने का प्रोसेस बता दूंगा। दोस्तों ये कॉयल आप मान लीजिए कि सही है, तो अगर आप इसमें हैमर का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो छोटा छोटा आप पीवीसी सीट देख रहे हैं तो ये टूट जाएगा और ये झड़ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इस बॉडी के साथ टच हो जाएगा जब ये शॉर्ट कहलाएगा, और उसके बाद आपको इस कॉयल को चेंज करना पड़ेगा। इसी के कारण इसे शॉर्ट ना हो पाए, इसीलिए आपको इस बियरिंग को बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही प्रेशर के साथ नहीं खोलना है, आराम से इसे खोलना है। तो आप इसे किस तरह से खोलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का एक पोलर आपको लेना है और उसके बाद इस तरह से आपको लगाना है, सिंपल सा। इस तरह से आपको टाइट देना है और ये बेयरिंग ऑटोमेटिकली खोल के चले है। अब नीचे का भी पार्ट ऐसा ही है और इसमें भी आप इसी तरह से खोलेंगे, सेम प्रोसेस। ये देखिए खोल के चला है। तो इस तरह से आपको बेयरिंग खोलना है और इसमें ज़्यादा प्रेशर भी आपको नहीं देना है, हैमर से भी ठोकना नहीं पड़ेगा, और इसके मदद से एक चीज़ आपका बच जाएगा जो कि ये कॉइल है, ये बच जाएगा। और इसी तरह से आपको खोलना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक फैन जिसका कैबिनेट ये है, और इसमें बहुत समय ऐसा होता है अगर ये यहाँ पर इसका जो बियरिंग है ये अगर अच्छी तरह से बैठ जाता है तो इसे खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत समय इसे खोलने के लिए बहुत सारे कूलर का यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा सबसे आसान तरीका, सबसे आसान कूलर की मदद से आप किस तरह से खोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का एक कूलर लेना है जो कि छोटा होना चाहिए, और एक बड़ा आपको चाहिए जो कि कुछ इस तरह के दोनों। तो आप देख सकते हैं दोनों मेरे पास कूलर है, और यहाँ पर मैं इस तरह से इसे सबसे पहले इसे यहाँ पे घुसा दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर एक पत्ती को लगा देंगे, और उसके बाद इसे इस तरह से घुमाएंगे। बस इतना ही आपको करना है और आपका जो बियरिंग है ये खुलकर ऑटोमेटिकली चलाएगा। यहाँ पर नीचे जाकर ये टाइट हो जाएगा, और उसके बाद आपको इस तरह से घुमाना है, बस इतना ही आपको करना है, तो आपका बियरिंग निकल के चले आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा बियरिंग निकल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दूसरा भी निकालना है। अब दूसरे को जब आप निकालेंगे तब ये जो बियरिंग का स्लॉट है ये बैठ नहीं पाएगा क्योंकि ये छोटा है, इसीलिए आपका बड़ा स्लॉट का जो बियरिंग कूलर है वो आपको लगाना पड़ेगा। अब इसे आप कैसे लगाएंगे, पहले इसे आप एकदम नीचे तरफ लेकर चले आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर पत्ती को घुसाएंगे। I don't
अब इस तरह से आप जब घुमाएंगे ये भी ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए हमारा दूसरा भी निकल के आ गया। अगर आपके पास कूलर रहेगा तो हैमर का कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बियरिंग को निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपना फैन का बियरिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।